हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप घर बैठे जो है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे कोई बैलेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। उस बैंक का नाम है नियो एक्स इक्विटस। इस बैंक में आप जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट में। और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, जब भी आप पैसे खाता में आप करेगा तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है 7.5%। अदर बैंक में जो है वो कम पैसे मिलता है, कम इंटरेस्ट मिलता है अदर बैंक में। अदर बैंक की अपेक्षा में सबसे अच्छा बैंक है ये, 0% 7% आपको मिलता है। यहाँ पे आपको कोई बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं और आपको 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा। इस अकाउंट को खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, तो आपका जो है अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 7% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। जैसे 1 लाख तक जो है आपको 3.5% मिलेगा इंटरेस्ट, 1 लाख से 2 करोड़ के बीच में 7% मिलेगा, फिर 2 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में आपको 6% मिलेगा, और 50 करोड़ से ऊपर में जो है आपको कॉन्टैक्ट आपको ब्रांच में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कितना अच्छा इंटरेस्ट रेट है इसका अदर बैंक के अपेक्षा में। और जो है आपका यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा जिससे आप ऑनलाइन यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और आप कार्ड नंबर जो है आप हैंड टू हैंड यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है मैं यहाँ पर पूरा वीडियो बताऊँ किस तरह से आपको अकाउंट ओपन करना है इस बैंक में। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आने के बाद आपको सिंपल सा जो है कोई भी ऑप्शन से आप खोल, मोबाइल से भी या फिर आप लैपटॉप से भी अपना कंप्यूटर से भी खोल सकते हैं। इक्विटस पे क्लिक करने के बाद आपको ओपन ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा अकाउंट पे। जैसे उस पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे जो है पिन कोड डालना है, जो आधार कार्ड में जो पिन कोड डाला हुआ है, पिन कोड एज पर आधार यहाँ पे शो कर रहा है तो यहाँ पे डाल देना है पिन कोड एज आधार। उसके बाद स्टेट अपना चूज कर लेना है, जैसे यहाँ पे स्टेट मैं यहाँ पे चूज, यहाँ पे जो भी स्टेट आपका वो स्टेट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। स्टेट चूज करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे चूज कर लूँ स्टेट, उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेलिटी यहाँ पे चूज कर लेना है, आपका लोकेशन कौन सा है वो चूज कर लेना है। फिर आपको सर्च कर लेना है कि आपका कौन सा जो ब्रांच है अगल बगल में वो ब्रांच आपका यहाँ पे शो कर देगा, तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। और इस बैंक में एक खासियत देखिए, ऊपर में जो है यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, उस टाइम के अंदर में ही आपको अकाउंट यहाँ पे खोल लेना, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे टाइम भी ऊपर में दिखाता है। अब नाम मैं यहाँ पे फिल कर दिया, फिर वहाँ पे आधार नंबर आपको डाल देना है। फिर आप देखिए यहाँ पे इंग्लिश शो कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आप जैसे जो है एंटर ओटीपी फ्रॉम आधार, अब जो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक ओटीपी जगह, उस पर जो है वो ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पे लोकेशन आपका शो कर रहा है, तो इस लोकेशन पे आपको वेरीफाई जो है यहाँ पे आपको पैन कर देना है, जैसे यहाँ पे दे रहा है, अब यहाँ आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर दे, कुछ आपको यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करना है, जैसे यहाँ पे मदर्स नेम आपको फिल करना है, फादर्स नेम, फिर वो सारा फिल करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर ओटीपी रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा आपके मोबाइल पे, फिर उसको आप फिल कर दिया। फिर आपको मेटेरियल स्टेटस यहाँ पे चूज कर लेना, जो भी आप सिंगल है, मैरिड है, ऑक्यूपेशन जो है आपका वो चूज कर लेना, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, यहाँ बहुत सारे दिया गया तो यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। ईयर इनकम आपका कितना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर नहीं भी है तो फिर भी आप यहाँ पे कुछ भी आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे नॉर्मली डिटेल्स आपको भरना है तो अगर अभी भरना है तो नाउ कर दिए, अन्यथा आप इसको लेटर पे करके छोड़ सकते हैं। जैसे दो चीज़ ऑप्शन दिखाया तो मैं यहाँ पे लेटर पे करके छोड़ दूंगा। फिर एक बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक कर देना, आई एग्री टू डिक्लेरेशन, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। आप डिजायर जो है आपको जो है डेबिट कार्ड पर जो नाम जो चाहिए वो नाम यहाँ पर आपको देगा, तो उसके बाद जो एक ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो उसके बाद जो देखिए सिंपल प्रोसेस, आपका यहाँ पे अकाउंट खुल गया, यहाँ पे अकाउंट नंबर मिल गया, कस्टमर आईडी मिल गया और आईएफएससी कोड मिल गया, और नीचे जो है यहाँ पे आपका जो एटीएम कार्ड मिल गया जो यहाँ पे नंबर शो कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर बैठे जो है नियो एक्स इक्विटस में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको हैंड टू हैंड यहाँ पे एटीएम कार्ड भी मिल जाएगा जिसपे सारा नंबर लिखा रहेगा और आपका अकाउंट नंबर सेफ मिल जाएगा। आगे मैं इस वीडियो के बारे में बताऊँ किस तरह से आपको जो है यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना है और सारा कुछ मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक करते हुएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।